The night has come, it's cold and losing my control. Your light is gone, and lonely darkness fills my soul. I wish that you could save me from my isolation. It's way too complicated, let's stop this conversation. Hi guys, how are you? Hope you all are fine. I'm your chicks. अभी का टॉपिक चल रहा है कि बॉस गिल में हैकर. ये बहुत सेंसेशनल टॉपिक बन चुका है. बॉस गिल में हैकर है, कोई झाट करके बंदा था जो हैकर्स करता था, उसका कोई वीडियो क्लिप किसी ने शूट किया होगा जिस पे वो लगातार किसी को हेडशॉट दिए जा रहा है. चलो ठीक है, वो आईडी के हिसाब से, वो गेम प्लेइंग के हिसाब से, मैंने भी सब देखा तो मुझे भी वही लगेगा. जब मैं भी देखूंगा तो मुझे वही लगा कि भाई झाट, तूने हैकर्स किया. लेकिन बिहाइंड स्टोरी क्या है वो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ. मेरे काफ़ी यूट्यूबर भाइयों ने इनके ऊपर वीडियो बनाई है, डाली है कि बॉस गिल के अंदर हैकर है, बॉस गिल का बंदा हैक यूज़ करता है, ये वो फलाना. अब ठीक है, मैं उनकी बातें भी, उनकी भावनाएं भी समझता हूँ, क्योंकि जो यूट्यूबर्स होते हैं उनको टॉपिक चाहिए जिनके ऊपर उनको व्यूज़ मिले, सब्सक्राइबर्स मिले. आई कैन अंडरस्टैंड, उनकी कोई गलती नहीं. उनको एक ऐसी वीडियो मिली कि भाई चलो, एक सेंसेशनल जैसी एक चलने वाली वीडियो है कि भाई बॉस गिल के अंदर हैकर कहाँ से आ गया, तो इसको हम अगर अपलोड करेंगे तो हमें व्यूज़ मिलेंगे, ये वो. लेकिन बिहाइंड स्टोरी वो जानने की कोशिश नहीं की. मैं आप सबको बताता हूँ कि स्टोरी इसके पीछे की क्या है. जाट जो है वो हमारे बॉस थ्री, जो हमारी टोटल 34 गिल्ड है आज, एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट कि आज बॉस की 34 गिल्ड है, तो मुझे भी खुशी है. उनमें से जो बॉस थ्री जो गिल्ड है हमारी, उसके लीडर हैं मिस्टर जाट. वो बंदा इस सीज़न में काफ़ी मेहनत करके ओवरऑल में, ग्लोबल में, स्कोर में 27 या 26 तक पहुंचा, खूब मेहनत की. अब एक बात समझ लो, अगर उस बंदे ने हैक यूज़ किया होता थ्रू आउट पहले से, तो उसका हेडशॉट रेशियो 14-15% नहीं होता. आप देख लोगे, अगर अच्छे से प्लेयर भी जो होते हैं, नॉर्मल प्लेयर, वो भी विदाउट हैक यूज़ करने वाले बंदे को, तो 30-40% उनका एवरेज रहता है. और जो हैकर्स होते हैं वो तो उनको आप सबको पता है 70-80% होता है. अगर जाट थ्रू आउट हैक यूज़ करता होता हेडशॉट वाला जो, तो उसका हेडशॉट रेशियो 14-15 यानी 14-15% तो नहीं होता है. तो सिंपल लॉजिक है, पहले ये समझो. दूसरी बात, मैं 24 से लेके 3rd तारीख तक, यानी इन 8-9 दिन आउट ऑफ इंडिया था, मलेशिया गया था थोड़े काम से, वो मेरे गिल्डमेट्स को सबको पता है. अब जाट के साथ क्या हुआ, आज से 8-9 दिन पहले यानी 23rd-24th को उसने जब लॉगिन किया, तो उसने देखा कि भाई लास्ट गेम में उसका कुछ 70 या 60 माइनस लगा हुआ है. तो वो चौंका कि साला ये कैसे हो सकता है, मैं तो खेला ही नहीं था, लास्ट गेम जो मैं खेला था मैंने बुया किया था, तो ये 60-70% माइनस कैसे हुआ. तो उससे लगा कि कोई बंदा ऑलरेडी खेल रहा था और मेरे लॉगिन करने से वो बंदा लॉग आउट हो गया, मैं लॉगिन हुआ, तो ये होता है. ये आप सबको पता होगा कि किसी और के आईडी से, यानी आपके मोबाइल से, आपके किसी के मोबाइल के अंदर आप किसी की आईडी लॉगिन करोगे और वही बंदा दूसरे मोबाइल से लॉगिन करेगा तो आप लॉग आउट हो जाओगे. उसे डाउट हुआ, उसने तुरंत ही अपने दोस्त खान को बोला कि भाई, उसको लीडर बनाया, वो खुद मेंबर बन के बैठ गया, क्योंकि उसकी गिल में भी अच्छे अच्छे प्लेयर्स ग्लोबल बैठे हुए हैं ऑलरेडी. तो उसे डाउट था कि सगे ही साला मेरा कोई आईडी किसी ने लॉगिन किया, किसी ने हैक किया हो और साला गिल से सबको निकाल दे या गिल डिस्पेंड कर दे तो बड़ा लॉस है. तो पहली ये मैटर हुई. दूसरे दिन क्या हुआ कि वो उसने खुद ने देखा उसकी ये आईडी आउट ऑफ गिल्ड है. तो मेरा एक खास दोस्त है रबारी करके, आप सब शायद नहीं जानते हो, रबारी करके मेरा एक दोस्त है, उसने, मैं जब फॉरेन था तब वहाँ पे फोटो मेरे को शेयर की कि आपका बॉस थ्री का लीडर आउट ऑफ गिल्ड है. मैंने तुरंत ही जाट को, मैं मलेशिया में बैठा था वहीं से मैंने उसको मैसेज किया, भाई तू आउट ऑफ गिल्ड कैसे हो गया. तो उसने बोला, जिग्स भाई आप अभी मलेशिया में हो, आप अपने बिजनेस के कॉन्फ्रेंस से बिजी होंगे, आप इधर आइए फिर बात करते, मुझे थोड़ी 2-3 प्रॉब्लम फेस हो रही है ऐसा लग रहा है, आप आइए फिर बात करते. फिर मैंने तीसरे दिन वहीं से मैसेज किया प्रसाद को कि भाई इसको बोल फिर से गिल में ज्वाइन कर ले, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम बताई नहीं थी जाट ने. फिर वो बंदा फिर से बॉस गिल में ज्वाइन हो गया.
उसके दो दिन बाद ये कांड हो गया कि जो बंदे ने इसके आईडी से लॉगिन पहले किया होता है उसी बंदे ने हैक यूज़ करके वो तीन चार दिन वो खेला होगा, उसी दौरान जाट खुद दो तीन दिन नहीं खेल पाया था, उसी दौरान क्या हुआ कि ये कांड पूरा हुआ कि उस हैकर ने इसकी आईडी को हैक यूज़ करके यानी लॉगिन करके उस स्क्रिप्ट से या जो भी वो मैटर जिससे ये हैक यूज़ होता है उससे उसने ये गेम प्ले किया होगा, जहाँ पे प्रोलो भी आती है नूब लो भी आती है वोट टेवर आज हर एक के पास रिकॉर्डर होता है। कोई ऐसी गेम प्ले करेगा तो हर कोई सीधा एक गेम को रिकॉर्ड मोड पे डाल देगा, उसमें भी बॉस का बंदा है, उसमें भी जाट है, उसमें भी ग्रैंड मास्टर है, तो लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि भाई ये बंदा बॉस का हो गया है कि यूज़ करता है क्वेश्चन मार्क। तो ये सब रिकॉर्ड आ गया, रिकॉर्ड थोड़ा स्प्रेड भी हो गया सब जगह पे, तो अब लोगों को टॉपिक मिल गया कि इन बॉस गिल हैकर ये वो भी जाट ग्रैंड मास्टर भी पहुंच गया, ऐसे पहुंच गया, भाई ऐसा नहीं पहुंचा वो। अब मैटर क्या हुई, उसकी आईडी फिर हैक हो गई, इस बंदे ने पासवर्ड आईडी पासवर्ड सब चेंज बीच में किया था, लेकिन अब मालूम है सिक्योरिटी ऑप्शंस के हिसाब से कहाँ पे क्या गलती होगी, उसकी आईडी हैक हो गई। और फिर मैंने जब मुझे पता चला दो तीन वीडियोस मैंने आके देखे तो मैंने तुरंत ही उसको गिल्ड से बोला कि भाई तू निकल जाए, क्योंकि ऑलरेडी उसने गिल्ड लीडर से तो पहले से ही अपने दोस्त को लीडर बना दिया, वो खुद मेंबर बना हुआ था। फिर मैंने उसको बोला कि अभी तू गिल्ड से बाहर निकल जा क्योंकि तेरा आईडी हैक है, कुछ भी यूज हो सकता है, तू बॉस में रहेगा और ये हैक करेगा, नाम बदनाम होगा बॉस का, क्योंकि हम कभी प्रमोट नहीं करते किसी हैकर को, अगर हैकर को प्रमोट करते होते तो आज हमारी 34 ब्रांच नहीं होती ना, बॉस का इतना नाम नहीं होता। और मैं बोलता हूँ बॉस ब्रांड है, तो बॉस ब्रांड है मैं इसीलिए बोलता हूँ। फिर क्या हुआ कि हमारे काफ़ी यूट्यूबर्स भाइयों ने वीडियो डाली, क्योंकि वो उन्होंने डाली उनकी गलती नहीं है, ऐसा टॉपिक मिलेगा कोई भी डालेगा, उनकी गलती मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन खाली गलती उनकी यही है कि बिहाइंड स्टोरी क्या है वो जाने बगैर ये डाल दिया कि जाट रियली हुई है कि उस करता था नहीं करता था, वो चीज़ उन्होंने ध्यान नहीं दी। दूसरी बात, वो बंदा कुछ आईडी इसका है कि उस करके नाम चेंज करके बैठ गया डेमेंटस करके कोई गिल्ड है, वो भी फेमस गिल्ड है, मेरे काफ़ी दोस्त है उसमें, विलन है मेरा भाई जैसा है, और रेज करके है टॉक्सिन करके, वो सब अच्छे बंदे उसमें और फेमस गिल्ड है, वो उधर जाके बैठ गया गलती से, वहाँ पे भी गलती से वो ज्वाइन हो गया होगा, क्योंकि कोई बंदा ध्यान सब यूआईडी मार्क नहीं करता होगा शायद, मे बी ये दिस इज़ पॉसिबिलिटी। अब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया या गलती से एक्सेप्ट हो गया वो जाने, या ये जाट की आईडी जिसने हैक किए उस बंदे के दिमाग में क्या है वो जाने। ये सब मैटर हो गई, इनके ऊपर काफ़ी वीडियोस आ गए, बॉस ऑफिसर से भी आए, बॉस के आर्मी से भी आए, प्रभात करके भाई हमारे एक बॉस गिल में बंदा है उसने डाला है, इन्फिनिट गेम्स ने डाला है कि भाई ये बंदा जो जाट की आईडी यूज़ हैक करके ले ली है वो अभी किस गिल में है, सब काफ़ी चीज़ें हो गई। मेरे हिसाब से ना इसमें बॉस की गलती है ना जाट की है, गलती है उस उल्लू के पटे हैकर की जिसने ये आईडी हैक की है। और अभी क्या हो रहा है कि थोड़े बहुत बंदे ऐसे होते होंगे भाई जो हैटर्स होते हैं, वो जानबूझ के चाहते हैं कि भाई बॉस गिल इतनी फेमस है तो कहीं ना कहीं से ऐसे टॉपिक निकालो कि उसका थोड़ा डाउनफॉल हो, उनके नाम के पीछे बदनामी लगे। लेकिन बेटा ऐसी सोच गलत है, जो ब्रांड होती है वो आगे ही बढ़ती जाती है, पीछे हट नहीं करती, क्योंकि हम ऐसी गलतियाँ करते ही नहीं, हम कभी भी ऐसी चीज़ों पे बिलीव नहीं करते जहाँ पे हमारी बेइज्जती हो, हमारी बदनामी हो, या हमारे पीछे कोई कुछ बोल पाए, हम ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं करते। तो मेरे यूट्यूबर्स भाइयों, ये स्पेशली वॉइस क्लिप मैं आपके लिए देना चाहता हूँ, ताकि आपको भी पता चले कि आपने जो वीडियो यूज़ किया है लेकिन उसके पीछे स्टोरी ये थी। समझो, अगर जाट ने हैक यूज़ किया होता या पहले से करता आया होता तो उसका हेड शॉट रेशियो 14-15% नहीं 70-80% होता। तो ये सिंपल लॉजिक है। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।